लाई हूँ ये रेसिपी उज्जैन की है और बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही टेस्टी बनेगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बच्चे पूड़ी और पराठे के साथ ही बहुत इंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, आपको लगेगा ये तो लौंजी की तरह है, बिल्कुल नहीं, ये लौंजी की तरह बिल्कुल नहीं लगेगी। इसे आप एक बार बनाइए ना, साल भर तक आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको ट्रिक्स दी हैं, वही ट्रिक्स को आपको फॉलो करना होगा। कई बार ऐसा होता है ना, जब हम आम लाते हैं, उसको काटते हैं कैरी का अचार डालने के लिए, तब हमारा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि कैरी बाहर से तो टाइट थी, वाइट भी दिख रही थी, लेकिन जब काटा है तो गुठली के आसपास वो पीला आम निकला है। जब ऐसा आम निकल जाए तब आप उस कैरी का अचार नहीं डालते, क्योंकि ऐसे में अगर आप कैरी का अचार डालोगे तो आपका कैरी का अचार लंबा नहीं चलेगा। लेकिन आप घबराइए नहीं, बल्कि खुश होइए, क्योंकि इससे जो मैं एक रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत अमेजिंग बनती है। आज जब मैंने अचार के लिए कैरी को काटा, जब अंदर से वो पीली निकल आई, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मुझे वो याद आ गया कि इसी कैरी से मेरी मम्मी भी और दीदी की सासू माँ भी यही मुरब्बा बनाती थी जो साल भर चलता है, बच्चों को बेहद पसंद आएगा। अब हमें इसे बनाना है तो हमें करना क्या होगा, इसके छिलके जो हरे वाले हैं ना वो हटा देने होंगे। इतने मोटे मोटे पीसेस ही होने चाहिए, बस छिलके हटा दीजिए। इसे पानी में बिल्कुल ना उबालें, वरना ये साल भर नहीं चलेगा। जैसे जैसे मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ उसी तरीके से ही आप बनाइए। आप लीजिए एक कढ़ाई, जैसे कि यहाँ पर 1 किलो कच्चा आम है, उसके मैंने छिलके हटा दिए, तो करीब करीब 250 ग्राम तो इसके छिलके निकल गए। अब हमें चीनी उतनी चाहिए जितनी कैरी, मतलब 750 ग्राम चीनी लीजिए और 1 कप आप डाल दीजिए इसके अंदर पानी। अब पानी और चीनी को अच्छे से घोल लीजिए गैस पर, और उसके बाद हमें डालनी है इसमें वही छिली हुई कैरियाँ। अब कैरियों को डालने के बाद आप इसे थोड़ा सा चला लीजिए और गैस पर इसे पकने दीजिए। आपने कई टाइप की लौंजी बनाई होगी, कई टाइप की ऐसे मुरब्बे खाए होंगे जिसे आप अलग से पानी में उबालते हो, वो लंबा नहीं चलते हैं, ये लंबा चलता है और साल भर, मतलब मुरब्बा ख़त्म हो जाएगा लेकिन ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच सादा नमक, 1 छोटा चम्मच डाल दीजिए काला नमक और इसे पकने दीजिए। मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि इसके लिए मैंने खास मसाले कौन से लिए। इसे मैंने थोड़ा ढक दिया। 1 चम्मच लिया है जीरा, 1 चम्मच लिए हैं काली मिर्चें साबुत, 6 से 7 लौंग लिए हैं, 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 2 बड़ी इलायची और 4 हरी इलायची लिए हैं। सबसे पहले मैं हरी इलायची को खलबत्ते में कूट रही हूँ और इसे छिलके समेत ही हम यूज़ करेंगे। जो मोटी इलायची, काली इलायची होती है ना, डोडा इलायची, उसके सिर्फ हमें दाने चाहिए, छिलके नहीं चाहिए। इस छिलकों को रख दीजिए, गरम मसाला जब भी पीसें उसमें यूज़ कर लीजिए। तेज़ पत्तों को छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए, दालचीनी के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। अब जब ये कैरी पक रही है तब आप इसमें सारे मसाले डाल दीजिए। इन मसालों का भी स्वाद इस चीनी और कैरी में आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा ये। अब इसे तब तक पकाइए जब तक कि आपकी कैरी अच्छे से गल न जाए। बस ये जब रसीली गूदेदार कैरी इस तरीके से सॉफ्ट हो जाए तब आप इसमें डाल दीजिए मिर्चें। मिर्चें मतलब 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें पाउडर। आप चाहें तो मिर्च को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे अगर नहीं खाएं तो सिर्फ कश्मीरी डालिए, या वो भी नहीं है तो उसको भी स्किप कर सकते हो। पर क्योंकि ये दोनों मिर्चें डालने से ये खट्टी मीठी चटपटी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। क्या आपने ये रेसिपी कभी पहले ट्राई की थी या नहीं, मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसे थोड़ा उबालने के बाद इसमें डाल दीजिए थोड़े से काजू। काजू डाल दीजिए और इसे चेक कीजिए थोड़ी देर बाद, गैस बंद कर दीजिए। अगर आपकी चाशनी एक तार वाली बनती है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ नहीं करना। अगर किसी वजह से, कभी गलती से, या कभी आम पर डिपेंड करता है, कभी कभी आम बहुत सूखा होता है तो वो बहुत जल्दी इस रस को एब्जॉर्ब कर लेता है। कभी कभी आम बड़ा रसीला होता है, जैसा कि आज है, तो बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा ठंडा करने के बाद चेक करना है। अगर ये चाशनी एक तार की नहीं बनती है तो आप क्या कीजिए, पूरे आम के पीसेस को निकाल दीजिए। आम के पीसेस को निकालने के बाद इस चाशनी को तब तक पकाइए जब तक कि उसमें एक तार ना आ जाए। अब जैसे ही इस चाशनी में एक तार आ जाए, फिर आप इसमें चाहें तो थोड़ी सी
किशमिश भी इसमें ऐड कर दीजिए, वो भी बड़ी अच्छी लगती है इस मुरब्बे के साथ। बस उसके बाद आप इस सारे आमों को डालकर इसी चाशनी में एक बार लास्ट में पका लीजिए। इससे क्या होगा, एक तार की जब चाशनी होती है ना, तो आपका जो कैरी वाला ये मुरब्बा है, ये साल क्या कितना भी लंबा आप रख दोगे कभी ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा ना चलाएं जिससे ये टूटे ना। अब सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं, कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। गैस बंद कर दीजिए, ठंडा करके आप इसे किसी साफ जार में भर के रख दीजिए। आप देख रहे हैं कितना रसीला है, एक एक पीस इतना बड़ा बड़ा है, जो भी खाएगा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, उसे बहुत इंजॉय करेगा। आप एक बार ज़रूर बनाइए इसी ट्रिक से, इसी मेथड से। और हाँ, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना तो बनता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए।